hello learners i am professor amar Srivastava, principal Harsahai pg college kanpur today we are going to study chemistry of proteins which is the second unit of your nep 2020 bsc part 1 semester second chemistry syllabus today we will study structure of proteins प्रोटीन्स क्या हैं प्रोटीन्स आर बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ज्वाइंट विथ ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड दे हैव थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जैसा हम जानते हैं कि अमीनो एसिड्स में सी ग्रुप भी होता है और एनेस्टू ग्रुप भी होता है तो एक अमीनो एसिड का सीओ एज ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के एनेस्टू ग्रुप से रिएक्ट करता है एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है एमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और इस तरह से डिफरेंट अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड या जिसे हम प्रोटीन कह सकते हैं वो हमें मिलता है स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड एट फॉर डिफरेंट लेवल्स हम लोग जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर आज पढ़ेंगे प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर है साथ में सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी हम जानेंगे और प्रोटीन के टर्सरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स को भी हम जानेंगे ईच लेवल इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन्स के उसमें सबसे सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर है उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और इसी प्रकार से टर्सरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इट रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो लग रहे हैं उनका जो क्रम है यही किसी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है और ये प्रोटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है अगर हम तनिक भी अमीनो एसिड के सीक्वेंस में परिवर्तन ले आते हैं तो हमें एक अलग प्रोटीन प्राप्त होता है जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्लाइसीन इज अटैच विथ एलेनिन फिर लाइसीन है वेलिन है अगर हम एक भी अमीनो एसिड को का क्रम बदल दें जैसे हमने पहले एलेनिन ले लिया फिर ग्लाइसिन लाइसीन और वेलिन ले लिया तो ये अलग अलग प्रोटीन्स हो जाएंगे अब हम आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ़ प्रोटीन पर द सेकेंडरी चेन कैन एग्जिस्ट असल में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक लंबी श्रृंखला है हमने जो अभी पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था उसमें तीन पेप, अमीनो एसिड्स या चार अमीनो एसिड्स लेकिन अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं और एक सामान्य प्रोटीन में 100 अमीनो एसिड्स या डेढ़ सौ अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स की एक बहुत बड़ी संख्या होती है और वो एक पूरा चेन के रूप में होती है लेकिन यह चेन अगर एक सिंपल चेन के रूप में रहे तो ये अनस्टेबल हो जाएगी इसलिए मॉलिक्यूल यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल अपने स्ट्रक्चर में परिवर्तन ले आता है और उसी स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का है वो दो स्ट्रक्चर्स बनाता है वन इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जिसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं और दूसरा स्ट्रक्चर बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर कहा जाता है इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स को 1951 में लाइनस पॉलिंग ने बताया था और ये स्ट्रक्चर्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उनकी एक रेगुलर फोल्डिंग की वजह से उत्पन्न होती है यहां पर आप देखेंगे कि जो अमीनो एसिड के सीओ ग्रुप हैं और जो एनएच ग्रुप है डिफरेंट अमीनो एसिड में उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही चेन में हो तो हम उसे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं और अगर यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट चेन्स में हो तो उसे हम बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर कहते हैं अब होता क्या है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और वह लोन पेयर कॉन्जुगेट होता है नतीजा ये होता है सी और एन के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से उसमें एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी और यह पाया गया है जिसे हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे कि सीओ ग्रुप और एन एच ग्रुप हमेशा ट्रांस पोजीशन में पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूंकि पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टेबिलिटी देता है इसलिए सीधी सी बात है कि जितने अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल होगा यहां पर यह स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें सी और एन के बीच में डबल बॉन्ड है वह बॉन्ड घूम नहीं सकता है बाकी बॉन्ड्स घूम सकते हैं और यहां पर स्लाइड में आप एक चीज और देख रहे होंगे कि सीओ ग्रुप और एनएच ग्रुप ट्रांसपोजिशन पे है इसको आइए हम लोग एक बार फिर से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं तो जैसा हम जानते हैं कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो कॉन्जुगेट करता है और उससे एक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप होता है ज्यों ही डबल बॉन्ड डेवलप होगा तो मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाएगी और ये पाया गया है कि सीओ ग्रुप और एनएच ग्रुप ट्रांस पे होते हैं आइए इसको बेहतर तरीके से हम लोग डायग्राम के द्वारा समझते हैं ये सीओ ग्रुप है ये एमाइड ग्रुप हमने बनाया है नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर कॉन्जुगेट करता है ये इधर जाता है नतीजा ये होता है कि सी और एन के बीच में एक डबल बॉन्ड डेवलप होता है यह डबल बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता है और ऑब्वियसली इसकी लेंथ भी छोटी हो जाएगी तो ये सीओ ग्रुप और ये एन एच ग्रुप जैसा आप देख रहे हैं इस डायग्राम में ये सी ओ ग्रुप और ये एनएच ग्रुप आपस में ट्रांस पर हैं इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है और एक रिजिडिटी आ जाती है स्ट्रक्चर में